अभी खड़े हम लोग बेंचों में। आज भी 22 अगस्त, टाइम हुआ 6:30 बजे का। हम लोग रुके थे, ये देखो पीछे टेंट है। ऊपर अगर देख रहे हो तो पहाड़ पे बर्फ नजर आ रही है। यात्री लोग नीचे से ऊपर आ चुके और हम लोग भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ शिव शक्ति महासंघ वालों का, बरनाला वालों का लंगर लगा हुआ, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर इस टेंट में रुके थे हम लोग, 100 रुपये पर हेड के हिसाब से। अच्छी व्यवस्था, रात को बारिश भी हुई थी और टेंट में भीगे नहीं। मिलते हैं आपको रास्ते के ऊपर। पहाड़ों के चारों तरफ धूप निकली आई, बहुत बढ़िया। और धिनछू का व्यू इस प्रकार का, उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए नदी को क्रॉस करेंगे। आगे चल के देखते हैं, वो वाला रास्ता पकड़े चलेंगे। चलो अभी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ से 2-3 रास्ते बने हुए हैं, ये वाला पकड़ेंगे। हैं, हाँ हाँ, नीचे पत्थर पे भी ध्यान रखना पड़ रहा है, मालूम पड़े ब्लॉगिंग क्या हम ही बन जाएंगे फिर। अब ले गए चलते हैं आपको वाटरफॉल के पास में। देखो यहाँ से दूर से दिखाई दे रहा वाटरफॉल, वहाँ ले गए चलते हैं। चल, वहाँ से आए हम लोग, अब हम लोगों को वहाँ पहुँचना हो सामने। वहाँ से आए हम लोग और देखो चढ़ते चढ़ते सांस बहुत ज़्यादा फूल गया। ये चढ़ाई करिए, ये देखिए नज़ारे नदी के, फूले की कृपा देखो, वाटरफॉल। पुल पीछे छोड़ गए हैं, उस जगह से दो रास्ते जाते हैं। एक बंदर घाटी का रास्ता है, वो ऊपर उधर से जा रहा है, और ये रास्ते दोनों एक मिल जाते हैं। देखो कितनी हाइट पे जा रहा है रास्ता, और हमने ये रास्ता लिया है। और ये रास्ते भी ऐसे खड़े हैं रास्ते, सूरज निकल चुका है, सूरज की गर्मी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी है, चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है गर्मी की वजह से। मिलते हैं आपको आगे। अभी देखो सामने हमें वहाँ पहुँचना है, लकड़ी वाले पुल के ऊपर। ये रास्ता है, सिंगल रास्ता देखो, जय शम, ऐसे ऐसे रास्ते। यहाँ से गौरीकुंड 4 किलोमीटर, धनछ है 2 किलोमीटर। अभी आए हम लोग जहाँ से आज अभी शुरू स्टार्ट करा था, ये ब्रिज है। और ये झरने के पास से आगे का सफ़र आपको दिखाते हुए लेके चलते हैं। वहाँ से नीचे से हम आए थे, दो रास्ते हैं ये। एक रास्ता ये बंदर घाटी वाला है जो यहाँ के मिलता है रास्ता, और ये रास्ता इधर आपने देखा पीछे लकड़ी वाले पुल के ऊपर से यहाँ पर झरना बह रहा है, उस रास्ते को कनेक्ट करता है। अब इसके बाद में हम लोग जा रहे हैं इस रास्ते से। ठीक, मिलते हैं आपको आगे। शिव का घराट लेके चलते हैं आपको।
शिव का घराट। आवाज़ सुनवा के लाते हैं, इसमें कहते हैं आवाज़ आती है पहाड़ में ऊपर उधर से चलना, उसमें आवाज़ आएगी ना, कान लगाएगा पहाड़ में। देखो आवाज़ सुन रहे लोग, इसमें आवाज़ आती है ना इसी वाले पहाड़ में। अभी हम लोग पहुँचे हैं 2:30 बजे, सुंदरासी जगह का नाम है ये 300 के बाद सेकंड पड़ता है स्टे करने के लिए, सबसे बढ़िया जगह। स्टे तो आपको रास्ते में मिल जाएंगे छोटे छोटे, पर ये सेफ जगह है, यहाँ लंगर वगैरह लगे हुए हैं और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। मणिमहेश यात्रा में तो खाने पीने की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकले सुरक्षित से और ये जाता है वाया भैरव मार्ग घाटी, और ये देखिए जैसे जैसे रास्ते सामने देखिए वो जा रहा है सामने भैरव घाटी का रास्ता। अभी हमने धिंचो से 3.5 किलोमीटर दूरी तय कर ली है और ये सामने आपको पीले सी दिखाई दे रही होगी वहाँ पे, वहाँ है गौरीकुंड। अभी वहाँ से हम लोग और 8 बजे पहुंचने के बाद में हमने ये लिया बेड। सर्दी इतनी ज़्यादा है और हमने आपको धिंचो से लेके गौरीकुंड तक का सफ़र तय किया है, उसके बारे में आपको अच्छे अच्छे रास्ते का व्यू, कैसे रास्ते हैं, झरने, ब्रिज लकड़ी के कैसे हैं, वो सब आपको दिखाते हुए हम लोग गौरीकुंड लेके आए। अब रात के 9 बज चुके हैं, काफ़ी लेट हो गया आने में, जिसकी वजह से थक चुके हैं, अब आगे जा नहीं सकते, अब सुबह जाएंगे मणिमहेश लेक और आपको सुबह नज़ारे दिखा। अभी तक की हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आज के लिए गुड नाइट।